रीवागढ़ करने की घटना। हार्डवेयर की दुकान संचालित करते थे व्यापारी, मौत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। सूदखोरी में फंसे व्यापारी ने धमकियों से तंग आकर दी जान, 2 लाख के 12 लाख चुकाए फिर भी चढ़ा रहा 3 लाख का कर्ज। सूदखोरी की जाल में फंसे एक व्यापारी ने सूदखोरों की धमकियों से तंग आकर अपनी जान दे दी। अपनी व्यथा उन्होंने थाना प्रभारी को लिखे एक सुसाइड नोट में लिखी है। व्यापारी ने लिखा है कि 2 लाख रुपए के कर्ज के बदले 12 लाख रुपए चुकाए, फिर भी सूदखोरों की कॉपी में 3 लाख रुपए बकाया रहा। घटना गढ़ कस्बे की है। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस अब जांच कर रही है। कस्बे में हार्डवेयर की दुकान संचालित करने वाले व्यापारी राजकुमार जायसवाल ने उम्र 53 वर्ष ने 6 जून को अपने घर में जहर की गोलियां निकलनी थी। उनको परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान गत दिवस मौत हो गई। सूदखोरी का मामला तब सामने आया जब शुक्रवार को घर में उनके द्वारा लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसे उन्होंने थाना प्रभारी के नाम पर लिखा था। उसमें व्यापारियों ने सूदखोरों द्वारा दी जा रही यातना का उल्लेख किया है। परिजनों ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई है और पुलिस को सुसाइड नोट सौंप कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह बात और है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सरपंच सचिव ने उधार में लिया सामान, भुगतान न कर व्यापारी को किया बर्बाद। सुसाइड नोट में पीड़ित ने अपने सीधेपन का लोगों द्वारा फायदा उठाने की जानकारी दी है। इसमें सबसे ज्यादा पंचायत के सरपंच व सचिव थे, जिन्होंने उनसे उधार में गिट्टी बालू सहित अन्य सामान लिया पर भुगतान नहीं किया। सुसाइड नोट के एक पेज में उन्होंने उधारी वालों को उल्लेख किया है और उनकी रकम भी लिखी है। उधारी वालों द्वारा पैसा नहीं लौटाया गया, जिससे कि वे बर्बाद हो गए और अंत में उनको अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कटघरे में पुलिस का अभियान। सूदखोरी के खिलाफ प्रदेश स्तर पर पुलिस ने करीब साल भर पूर्व अभियान शुरू किया था। जिले में रथ निकालकर अभियान का प्रचार प्रसार किया गया और कई लोगों पर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, लेकिन लोग सूदखोरी के जाल से मुक्त नहीं हो पाए। 4 दिन अभियान चलने के बाद पुलिस ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और लोग सूदखोरी के जाल में फंसकर जान गंवा रहे हैं। संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री। क्या नाम भैया आपका? नंद कुमार जायसवाल। किन्होंने सुसाइड किया था, क्या घटना थी? हमारे बड़े भाई और 6 तारीख की बात है, हम जो वक्त में थे हमें मिली थी सुसाइड कर लिया जहर खा लिए और वहाँ से चल दिए। रास्ते में 10 मिनट बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई। क्या वजह थी जो आत्महत्या करने की? कोई सुसाइड नोट भी मिला? उनकी वजह थी कि वो पंचायतों में मटेरियल सप्लाई करते रहे सरपंच सेक्रेटरी को काम कराने के लिए, और वहाँ पैसा नहीं, सरपंच सेक्रेटरी उनका दबा लिए ये नहीं पैसा, उस वजह से 1-2 जगह से उनको कर्ज में पैसा लेना पड़ा और उन्हीं का दबाव उनके ऊपर बनता गया। सूदखोरी करते गए, पहले 1-2 महीने के लिए कम ब्याज लगाए, इसके बाद ब्याज बढ़ाते गए। उनका चेक जब्ती में रख लिया कि हम चेक बाउंस कराएंगे, आपको जेल कराएंगे, आप इतना पैसा दो। जिसका हमारे पास विवरण भी है, एक रजिस्टर में डेन है कि कितना हम पैसा दे चुके हैं, और सुसाइड नोट में जैसा भी लिखा है कि 2 लाख में 12 लाख दे चुके हैं, इसके बाद भी वो दबाव बना रहे हैं। कितना पैसा लिया था उन्होंने, कितना दे चुके थे? दीपक शुक्ला से 2-2.5 लाख रुपए लिए थे, जिसका विवरण है 12 लाख हम पेड कर चुके हैं, और अमित तिवारी से 1.5 लाख लिए थे, उनका भी पैसा कुछ दे चुके थे, कुछ बाकी था। उसमें मीडिएटर थे अतुल दुबे, सबसे ज़्यादा वो ये बोलते रहे कि हम अभी से पैसे दिलवाए हैं, और सबसे ज़्यादा दबाव अतुल दुबे बना रहे थे। ट्रैक्टर उठाने के लिए अतुल दुबे ही आने वाले थे, और उनका जिस दिन पॉइजन खाए हैं उसके शुरू से सुबह से लेके और पॉइजन खाने तक करीब 50 कॉल लिए। जो 50 कॉल किसने किए थे? अतुल दुबे। पता है क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दयानंद जायसवाल। अच्छा, क्या घटना हुई थी, किन्होंने सुसाइड किया था, क्या वजह थी? 6 जून की सुबह 8 बजे की बात है। मेरे जो बड़े भाई हैं दीपक राम कुमार जायसवाल, तो वो मैं घर पे ही था उस टाइम पे, तो मुझे 8 बजे के आसपास यहाँ पे बाहर से आवाज़ आई, गांव के लोगों ने बताया कि आपके भाई साहब गिरे पड़े हुए हैं इसमें घर में, तो हम गए तो पड़े हुए थे, तो हमने उनसे पूछा तो बोले कि हमने पॉइजन खा लिया है, सल्फास खाई है, हमने आत्महत्या कर लिया है। और उन्होंने क्या बताया कि मैंने आत्महत्या इसलिए की है कि कुछ लोगों से जिनसे हमने पैसा लिया था वो हमारे पर दबाव बना रहे थे, और उसमें से कुछ लोग हैं जो हमारा ट्रैक्टर उठाने वाले हैं जिनसे हमने पैसा लिया था, इसलिए मैंने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। कितना पैसा लिया था उन्होंने, कितना दे चुके थे, कितना मांग रहे थे? उसने जो एक दीपक शुक्ला करके उनसे 2.5 लाख रुपए लिया था उन्होंने, तो उनको 12 लाख रुपए दे चुके थे और भी दबाव बना रहे थे देने के लिए।
दूसरे जो अमित तिवारी हैं पंजाबी ढाबा, उनसे भी 1.5 लाख रुपए लिया था और वो भी इसके लिए दबाव बना रहे थे और वही ट्रैक्टर उठाने की प्लानिंग कर रहे थे। इन्होंने क्लियर बताया उस दिन जब हमने गाड़ी में डाला, क्लियर बताया कि लोग हमारा स्ट्रक्चर ट्रैक्टर उठाने वाले। अभी पुलिस में शिकायत की, आप लोगों ने कुछ कार्रवाई की? हमने आवेदन दिया है गढ़ थाने में, तो उन्होंने आवेदन स्वीकार कर लिया है, प्रति भी दे दी है उन्होंने। उन्होंने बोला कि जब तक हमारी संजय गांधी से डायरी नहीं आ जाती, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम वहीं पे जाके हुआ था, तो तब तक हम अभी FIR नहीं करें, जैसे आ जाएगी उसके बाद आगे हम कार्रवाई करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया।